कौमी असम्बली में कायदे आजम के पोर्ट्रेट के खालिक सईद अख्तर की जनाह से मोहब्बत की कहानी, मोहम्मद कुर्बान की जबानी। बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह और मुसव्विर सईद अख्तर के दरमियान ऐसा रिश्ता जो फन और मोहब्बत की मट्टी में गुंधा हुआ है। ये रिश्ता वक्त के साथ खूबसूरत और मजबूत होता जा रहा है। सईद अख्तर कहते हैं, पहली बार कायदे आजम को देखा तो देखता ही रह गया। लाइट ग्रे कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो भी भूल गए और हम उनको इतने देखने में मशगूल हुए कि हमें भी भूल, हमको याद ना रहा कि हमने क्या करना है। आठवीं क्लास में पहली बार इस मोहब्बत को कैनवस पर उतारा और फिर इस रिश्ते में नए जाविये खुलते रहे और रंग बिखरते रहे। मैंने उनसे कहा कि मैं कह जाता हूँ तस्वीर बनाना चाहता हूँ, तो कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ। खुशी हुई कि मैंने ऐसे ऐसे कहजादों को समझना शुरू किया। फिर इस रिश्ते में सबसे अहम मोड़ आया। मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में कायदे आजम की तस्वीर का जिम्मा सईद अख्तर के हाथों में आ गया। कायदे आजम की तस्वीर बनाओगे? मैंने कहा जरूर बनाऊंगा नेशनल असेंबली के लिए। वो जब उन्होंने कहा तो वो मेरे लिए एकदम शॉक था। जब इस रिश्ते की कहानी दूसरे लोगों तक पहुंची, तो सईद अख्तर की बनाई हुई तस्वीर कई अहम इमारतों में जा पहुंची। लाहौर के गवर्नर हाउस में जो वो है तस्वीर, वो भी उनकी है और इस तरह करके हर जगह पर। इस रिश्ते के अरूज का भी अपना एक रंग है। सईद अख्तर अब पोर्ट्रेट बनाते हैं तो कायद से घंटों बातें करते रहते हैं। ये जज्बात होते हैं कि जैसे वो जिंदा है और वो मैं उनसे बातें करता रहता हूँ और वो सारी उसी तरह उसी में वो ढलती चली जाती है। सईद अख्तर के ब्रश से कई शाहकारों ने जन्म लिया, लेकिन जनाह से उनकी मोहब्बत उनके फन की पहचान बन गई। प्रोफेसर सईद अख्तर के फनपारों में बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह की शख्सियत की भरपूर अंदाज में अकासी की गई है। कैमरामैन इश्फाक अब्बासी के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा लाहौर।